नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आई एस एकेडमी में मैं हूं संदीप मानोधनी आज हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर्स की ये आपके सिलेबस का हिस्सा है सिविल सर्विसेज की सभी परीक्षाओं में इससे जुड़े सवाल आ सकते हैं हमारी यूपीएससी पी आई एस लेक्चर सीरीज में हम रोज़ पंद्रह मिनट का एक प्यारा लेक्चर आपके लिए ला रहे हैं साथ ही साथ कॉन्सेप्ट सीरीज़ में पाँच मिनट का खूबसूरत कॉन्सेप्ट ला रहे हैं हमें ज़रूर बताते चलें आप आगे और क्या क्या पढ़ना चाहेंगे आज हम बात कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर्स की यानी बेहद पावरफुल ऐसी मशीनें जो काफी कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग में मदद करती हैं और मानवता के सामने उभर रही नई नई समस्याओं को सुलझाने में भी मदद करती है अब आप बोलेंगे सर ऐसी कौन सी नई समस्या सुलझा दी अरे भैया कोविड नाइन्टीन की वैक्सीन बनाने में सुपर कंप्यूटर्स ने बड़ी मदद की कैसे एक एग्जा स्केल कंप्यूटर की मदद से कोविड के वेरियंस के प्रोटीन्स का स्टडी कुछ घंटों में कर लिया गया कहने का मतलब यह है कि सुपर कंप्यूटर्स उस क्षेत्र का नाम है जहां ह्यूमैनिटी की काफी बड़ी प्रॉब्लम्स को टैकल किया जा रहा है आज 2022, 23, 24, 25 में हम जिस तरह की हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एच के आदि हो गए हैं ऐसा हमेशा नहीं था नाइनटीन और फिफ्टीज में जब वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर बनते थे तो एक बहुत बड़े हॉल में जो कंप्यूटर आता था वो आज के एंट्री लेवल स्मार्टफोन से भी कमजोर हुआ करता था तो हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स को बहुत बहुत बधाई दुनिया भर के जिन्होंने पिछले सात दशकों में इतना जबरदस्त इनोवेशन किया है मटेरियल साइंसेस में इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्यूटर साइंस और एलगोरिदम डिजाइन में और बाकी की सभी हार्डवेयर इंडस्ट्रीज में कि आज हमारे हाथ के स्मार्टफोन्स प्रैक्टिकली सुपर कंप्यूटर ही बन चुके हैं एनी anyway, तो कहानी शुरू होती है वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर्स से आज कहानी आ चुकी है एच पर एच का क्या मतलब है एच का मतलब यह है कि आज सुपर कंप्यूटर बनाना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है आपको आश्चर्य हो रहा है सुनकर यही सच्चाई है जापान का सुपर कंप्यूटर फ्यूगाकू दुनिया का नंबर वन बताया जाता है मोस्ट पावरफुल लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताऊं अगर इंडिया यह तय कर ले कि मुझे दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर बनाना है तो इंडिया बना सकता है ऑल इट विल नीड इस फंडिंग कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं रही कि जो आपको दुनिया का नंबर वन सुपर कंप्यूटर बनाने से रोक सके ऐसा किसी ने हिडन टेक्नोलॉजी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी बना रखी सब कुछ कमोडिटाइज हो गया है यहां तक कि सुपर कंप्यूटर को बनाने के लिए जो पार्ट्स लगते हैं दे कैन बी परचेज ऑफ द शेल्फ तो दुनिया वाकई में बहुत बदल गई है और इसलिए नाइनटीन एटीज और टू के पहले वर्षों में जब एक सुपर कंप्यूटर बनाना देश के लिए शान की बात होती थी आज वैसा बिल्कुल भी नहीं है और कोई भी बना सकता है सुपर कंप्यूटर तो आई होप आपको यह परिवर्तन समझ में आया है तो हम आज जिस युग में है उसका नाम क्या है बेटा एच पी सी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग ये जितना भी कंटेंट मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूं आपको बराबर से विजिबल है एक बार फीडबैक दे दीजिएगा और आप बराबर रिवाइज करके अपने नोट्स बना रहे हैं एक पूरी लेक्चर नोटबुक तैयार कर लो साल भर पढ़ाता रहूंगा मैं आपको और आपका साथ मिलेगा तो साल भर पढ़ाऊंगा इसलिए अपने दोस्तों तक इसको ले जाओ चैनल के साथ जुड़ो लाइक और शेयर करो और खूब हमारे इन सीरीज का सपोर्ट करो दैट इज ऑल वी वांट प्यारे दोस्तों दुनिया में साल में दो बार सबसे तगड़े सुपर कंप्यूटरों की लिस्ट जारी होती है अभी जो लेटेस्ट लिस्ट अवेलेबल है उसमें दुनिया का नंबर वन सुपर कंप्यूटर है फ्यूगैकू जापान का जिसका रेटिंग बताते हैं छिहत्तर लाख कोर के साथ टेरा में फोर पॉइंट फोर टू टेराफ्लॉप पर सेकेंड है थोड़ी ही देर में मैं आपको बताऊंगा ये फ्लॉप क्या होता है एक तो जसपाल भट्टी का फ्लॉप शो आया करता था बहुत प्यारी कॉमेडी एटीज और नाइनटीज की लेकिन यहां पर जो फ्लॉप है वो है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड आ रहे हैं उस पे। दूसरा अमेरिका का समिट है तीसरा अमेरिका का सियरा है चौथा चाइना का सनवे ताहू लाइट है और पांचवा अमेरिका का पर्ल मटर है तो ये एक लिस्ट टॉप 500 की जारी होती है तो ये पांच आपके सामने हैं। लेकिन ये पांच नामों के अलावा जो एक चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है देखने लायक उन्नीस से किस तरह से ओवरऑल परफॉर्मेंस जो बढ़ता जा रहा है सुपर कंप्यूटर्स का वो कैसा बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं अब ये चीज़ें कमोडिटाइज्ड हो चुकी हैं अगर आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या आप इंजीनियर हैं आप में से कितने लोग किस बैकग्राउंड के हैं मुझे कमेंट थ्रेड में बताइएगा आप इंजीनियरिंग के हैं आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के हैं सोशल साइंसेस के हैं लॉ के हैं चार्टर्ड अक... बताइएगा या अकाउंटेंसी के हैं प्लीज़ डू शेयर विथ मी और आप किन शहरों से या राज्यों से हैं कॉमेंट थ्रेड में बताते चलिएगा अगर आप एक लेवल अंदर जाते हैं तो ये डिटेल्स पता चलते हैं कि आज की रेनिंग टेक्नोलॉजीज़ कौन सी हैं जैसे कि अगर आप चिप टेक्नोलॉजी की बात करें तो दुनिया के 500 सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटरों में आज दबदबा इंटेल का ही है हालांकि बीच में इंटेल लड़खड़ा गया था 5 नैनोमीटर स्केल की चिप्स बनाने में ए ने बाजी मार ली थी लेकिन फिर इंटेल ने कैचअप कर लिया तो ये थोड़ा सा आपके लिए इंसाइट्स थे फ्यूगैकू के बारे में जो जानकारी है किस तरह से जापान ने इसको बनाया सुपर कंप्यूटर फ्युगैकू जो है वो राइकन सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल साइंसेस कोबे में स्थापित है और इसको बनाने वाली कंपनी फ्यूजस्सू जिसने कई सारे दूसरे कोलैबोरेटर्स के साथ मिलकर इसको बनाया आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर वाकई में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एक कम्यूडिटाइज धंधा बन गया है तो फिर क्यों मगजमारी करना क्यों बनाना ऐसा सुपर कंप्यूटर कहीं ना कहीं आज भी ये एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का काम करता है ये उस देश के लिए एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्सट्रेशन का काम करता है ये उस देश के लिए कहीं ना कहीं एक प्राइड का काम इंटरनली तो करता ही होगा कि भाई यहाँ हम जापान की बात कर ही रहे ना आफ्टर ऑल तो इसलिए ये थोड़ा सा यूज़फुल माना जाता है बाकी कुछ नहीं सुपर कंप्यूटर के बेसिक्स पर आते हैं जो चीज़ें सब आपके सिलेबस का हिस्सा हैं याद रखिएगा ये सारी चीज़ें हमारी क्लासेस में हम बहुत अच्छे से पढ़ाते भी हैं प्यारे दोस्तों सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटिंग सिस्टम का मतलब हो गया हार्डवेयर सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आज की तारीख में अवेलेबल सबसे जटिल कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम संगणन समस्याओं का अच्छा समाधान दे सकता है जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग जैसे कि लॉन्ग टर्म क्लाइमेट मॉडलिंग जैसे कि यहाँ से चंद्रमा पे जाना और वहाँ पूरी कॉलोनी बनाना है तो पूरे सैटेलाइट के आपको पास प्लॉट करने हैं जैसे कि एटॉमिक क्लॉक्स बनाते हैं तो उसका पूरा सिस्टम हॉर जैसे कि कोविड के विरियन पार्टिकल्स के प्रोटीन्स का स्टडी करना उसमें तो कमाल ही हो गया जिनोमिक स्टडीज़ आजकल मजाक ही बन गई हैं डीएनए का आरएनए का जिनोम का पूरा का पूरा डिकोडिंग कुछ घंटों का खेल बन के रह गया है और ये मानवता के लिए बहुत अच्छी खबर है आने वाले समय में हमारी बीमारियों के इलाज बड़े फास्ट ढूँढ लिए जाए इसलिए ढूंढ लिए जाएंगे क्योंकि आप फंडामेंटल लेवल पर डीएनए आरएनए का कोडिंग जो है समझ सकते हैं बहुत तेजी से जबकि आज तो पेटा स्केल कंप्यूटर्स ही हैं एक विजय पांडे लैब स्टैंडफर्ड में एग्जा स्केल कंप्यूटर टेम्प्रेरी बेसिस पे बना था क्राउड सोर्सिंग से जिससे कोविड में भी एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ कि क्राउड सोर्सिंग से भी काम हो सकता है मज़े की बात यह है कि हम यहाँ पूरा सुपर कंप्यूटिंग का लेक्चर ले रहे हैं भारत सरकार नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन चला रही है जिसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है लेकिन कोई आपसे पूछे कि सुपर कंप्यूटर की परिभाषा क्या है तो ठेंगा कोई परिभाषा ही नहीं है सुपर कंप्यूटर की आई मीन डिफरेंट कंट्रीज विल डिफाइन इट डिफरेंटली तो एक पूरा का पूरा विज्ञान है जिसमें उसके कोर आइटम की कोई परिभाषा ही नहीं है तो सुपर कंप्यूटर एक जनरल टर्म है बेसिकली एनी मशीन दैट डज अ लॉट ऑफ कैलकुलशन प्रॉपरली वेरी वेरी फास्ट अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो कैलकुलेशन होता है बेटा फ्लॉप से फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड अब जब आप फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड की बात करते हैं उस पर हम आते हैं उसके पहले भारत सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में सैकड़ों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहा है जो करना भी चाहिए और यहां मैं आपको पीआईबी की एक प्रेस क्लिप दिखा रहा हूं हो सकता है बहुत विजिबल नहीं हो लेकिन फिर भी थोड़ा जूम इन करेंगे दिख जाएगा और ये अप्रैल 2021 में भारत के क्या क्या स्पेसिफिक नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के गोल्स हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पर बात की गई है टॉप 500 में भारत के 102, 121 और 228 नंबर पर सुपर कंप्यूटर हैं परम सिद्धि प्रत्युष मेहर ये याद रखना हैं एग्जाम के लिए अगली लिस्ट छ महीने बाद आएगी उसमें बदल सकती है रैंकिंग तो क्या भारत नंबर वन पे आ सकता है बिल्कुल आ सकता है आपको सिर्फ रिसोर्सेज चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए सुपर कंप्यूटिंग जिसको हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एचपीसी कहते हैं भारत फिगैकू को बीट कर सकता है

स्टेट पीएससी हो या यूपीएससी हो डेढ़ सौ लेक्चर की हमारी सीरीज होती है सात सात महीने की सीरीज चलती है बेहद उमदा सीरीज है आज के क्या जाइए हिंदी इंग्लिश में कंबाइंड स्टडी होता है स्टडी मटेरियल हर क्लास का मिलता है पैरेलल में आपको पावर ऑफ टेन और सी ए बूस्टर प्रीमियम का पूरा एक्सेस करंट अफेयर और एडिटोरियल एनालिसिस के लिए मिलता है इससे बेहतर ऑफरिंग नहीं हो सकती होप टू सी यू सून इन माई पावर पैक कोर्स टॉप फाइव हंड्रेड की लिस्ट Linpack benchmark, जिसके आधार पर ये ranking होती है floating point की, अब आप देखेंगे flop is a floating point operation. Floating point operation. प्यारे दोस्तों आप दुनिया के अलग अलग कंप्यूटर्स जो बन रहे हैं उनको एक साथ एक तालिका में कैसे रखोगे उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा तो यदि टू फ्लॉप कैन बी डन पर क्लॉक साइकिल और आपके पास प्रोसेसर है थ्री गीगा हर्ट्स का तो टू इंटू थ्री आप सिक्स बिलियन फ्लॉप्स यानी सिक्स गीगा फ्लॉप्स का आपने ऑपरेशन रेट हासिल कर लिया टॉप टेन के जो हैं वो तो बहुत आगे निकल गए हैं उन्नीस से गीगा फ्लॉप चलता चला सेवनटी में सॉरी नाइनटीन में टेरा फ्लॉप आया और आज 2008 के बाद हम पैटा फ्लॉप पे आ चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं किलो मेगा गीगा टेरा पैटा इसके आगे हम नहीं आए यहां हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे एग्जा लेवल पर हाल ही में आ गए थे 10 टू दी पावर 18 पर सेकंड की हम बात कर रहे हैं तो एग्जा स्केल मशीन टर्म याद रखना आज से पांच साल बाद ये कॉमन हो जाएंगी और आज से 10-15 साल के बाद हमारे पास जिस तरह के स्मार्टफोन्स होंगे और बाकी की चीजें होंगी फाइव और सिक्स आ चुका होगा वो एग्जा स्केल को सही तरीके से लेवरेज कर पाएगा जैसा मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि 2030, 35, 40, 45, 50, पैंतालीस तक आते आते दुनिया इतनी फंडामेंटल तरीके से बदल जाएगी कि आज हम उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते और उसमें से कुछ बहुत अच्छा भी होगा तीन तरीके से सुपर कंप्यूटर के ढांचे बनते हैं दोस्तों पहला होता है आप बिल्कुल जो कमोडिटाइज माइक्रो प्रोसेसर मैगजिमम क्लॉक स्पीड के लाइए और जोड़ दीजिए दूसरा होता है बहुत ही स्पेशल प्रोसेसर चिप्स बनवाइए और तीसरा होता है मिक्स लेके कीजिए और ये सारी तकनीकें दुनिया में आज यूज हो रही हैं तो यू कैन हैव हैव अ कमोडिटी एचपीसी क्लस्टर यू कैन अ डेडिकेटेड सुपर कंप्यूटर किसी एक सिर्फ वेदर मॉडलिंग के लिए इसरो को दे दिया यू कैन हैव एन एचपीसी क्लाउड कंप्यूटिंग अब तो ये सब चीजें क्लाउड पे भी चली गई एंड यू कैन हैव ग्रिड कंप्यूटिंग ये टर्मिनोलॉजीज आपके सामने हैं इन्हें पढ़िए और याद रखिए एमसीक्यू बन सकते हैं तो हम आखिर सुपर कंप्यूटर क्यों बनाते हैं मैक्सिमम इस्तेमाल साइंटिफिक कंप्यूटिंग में होता है लेकिन अब साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग कहां रह गए आज अगर इसरो साइंटिफिक सारा का सारा डेटा अपने सैटेलाइट से रिमोट सेंसिंग का डेटा अर्थ ऑब्जर्वेशन का डेटा वाटर और मिनरल प्रोस्पेक्टिंग का डेटा और नाविक के जरिए सेंसिटिव मिलिटरी स्ट्रेटेजिक डेटा नाविक का क्या फुल फॉर्म है बताइएगा लाता है उस डेटा को भारत सरकार और राज्य सरकारों के सारे विभाग और सारे मंत्रालय यूज करते हैं तो आज की भारत सरकार इसरो की डेटा के बिना तो चल भी नहीं सकती आप ये बात जानते हैं ना एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कितना इंटेंसिवली यूज करती है उस चीज को तो सुपर कंप्यूटर्स का रोल ये है ये है वो सारी फील्ड्स जहां सुपर कंप्यूटर्स डे टू डे एप्लीकेशन में यूज हो रहे हैं यू कैन सी प्रैक्टिकली एवरीथिंग इज कवर्ड येस और नो तो प्यारे साथियों बिना सुपर कंप्यूटिंग के आज थोड़ा सा मुश्किल होगा भारत इसीलिए अपना एक बहुत विशाल कार्यक्रम सुपर कंप्यूटिंग का चला रहा है 1980 में शुरुआत हुई और अमेरिका से जब हमने क्रे कंप्यूटर खरीदने का सौदा किया वहाँ के राष्ट्रपति रोनल्ड रीगन ने राजीव गांधी पर भरोसा न दर्शाते हुए उस डील को कैंसिल किया क्योंकि उन्हें लगा कि इसकी मदद से भारत मिसाइलें बम और ये सब भी बना लेगा डुअल यूज़ कर लेगा तो भारत के वैज्ञानिकों ने खुद ही बना लिया ये भारत की खासियत है कि जब जब हमें इंटरनेशनली टेक्नोलॉजी बैंस का सामना करना पड़ा है थप थप हमारे वैज्ञानिकों ने खुद ही बना डाला 99 में पोखरण 2 के बाद बैन लगा तो हमने क्रायोजेनिक इंजन खुद ही बना लिया तो ये हमारी विशेषता है दैट वी राइज टू दी ओकेजन द वर्ल्ड स्टॉप गिविंग एज टेक्नोलॉजी तो ये पूरा इतिहास इसका रहा है सी डॉट का जो चिप्स था वो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर डिजाइन था आपको एक चीज़ और बता दूं इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन में भारत दुनिया के टॉप देशों में एक है हम मैन्युफैक्चरिंग में उसमें आगे नहीं है सरकार छिहत्तर करोड़ का पाँच हज़ार छिहत्तर हज़ार करोड़ का पाँच साल का एक प्रोग्राम लाई है जिसमें वो सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रमोट कर रही है उसका क्या हश्र होगा वो हम पाँच छः साल में देखेंगे लेकिन डिज़ाइन में हम बहुत आगे और एक एक करके आप देख रहे हैं कि फिर परम आया और इनसे जुड़े सारे लोग आगे के बड़े प्रोग्राम्स में जुड़ते चले गए इसरो ने सबसे पहले दो में एक बहुत ही शानदार सुपर कंप्यूटर बनाने में मदद की थी ये इसरो का उस समय का सुपर कंप्यूटर है टाटा ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया था यह भी उस वक्त का बहुत बढ़िया माना जाता था और यह है हमारा नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन तो 2022 में सरकार 73 स्वदेशी सुपर कंप्यूटर पूरे भारत में लगाना चाहती है शिक्षा में हेल्थ केयर में वेदर मॉडलिंग में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो पूरी एक ग्रिड बना के सारे नाम याद रखिएगा जितने नाम यहाँ मैंने आपको दिखाए हैं तो प्यारे साथियों इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि भारत भी कदम से कदम मिलाकर सुपर कंप्यूटर की दुनिया में आगे बढ़ रहा है यह अगले पांच से दस सालों में एग्जा स्केल पर चला जाएगा सारा खेल इतना आप जरूर याद रखिएगा तो सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई कोविड नाइन्टीन में दुनिया ने यह साबित कर दिया कि प्रोटीन फोल्डिंग की समस्या देखिए सभी वायरसेस के आपको जब वैक्सीन्स बनाने होते हैं तो प्रॉब्लम एक ही रहता है फंडामेंटल इनके प्रोटीन के थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को समझना बहुत कठिन होता है क्योंकि हजारों मॉलिक्यूल्स मिलकर फोल्ड कैसे हुए हैं वो पता करने में बरसों लग जाते हैं अब नहीं लगते क्योंकि सुपर कंप्यूटर में आप सिमुलेशन करके कुछ दिनों में पता कर लेते हैं यह काम बहुत ही शानदार तरीके से विजय पांडे लाइव स्टैनफर्ड लेबोरेटरी ने एक क्राउड सोर्सिंग से फोल्डिंग एट होम प्रोग्राम से जैसे सेटी एट होम होता है सेटी का सुना है आपने सर्च फॉर एक्सफिश इंटेलिजेंस उसी तरह यह बना के एक्सा स्केल कंप्यूटर बना लिया और उसकी मदद से प्रोटीन स्ट्रक्चर उन्होंने क्रैक कर दिए अब तो आई ने अपने डीप माइंड और इस तरह के एल्गोरिदम से प्रोटीन स्ट्रक्चर्स प्रेडिक्शन का काम चालू कर दिया है दस सालों में मैंने कहा ना मानवता की बहुत सारी बीमारियों के इलाज अपने आप हाँ निकल के आएंगे क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्रैक होने लग गए तो दवाई कहां फिट करनी है ये पता चल गया है हालांकि रातों रात कुछ नहीं होता लेकिन किया तो जा ही सकता है कैसा लगा आज का सेशन ये रहे तीन सवाल जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं इनके उत्तर हमें कॉमेंट हेड में चाहिए सेशन को लाइक और शेयर करो दोस्तों को अपने साथ इस चैनल पर लाओ तो मजा आएगा और आज के आज हमारे यूपीएससी पावर पैक प्रोग्राम के साथ जुड़ जाइए हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं दिस इज वन कोर्स दैट विल गिव यू द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी एंड विच इज समथिंग दैट वी रिकमेंड एब्सोलूटली होल हार्टेडली आज के लिए इतना ही अब हम कल आपसे भेंट करेंगे अगले सेशन में नमस्कार जय हिंद